और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता दें कि हिंदुस्तान के खिलाफ किस तरीके से आतंकियों के जहरीले बोल एक बार फिर से सुनने को मिले हैं। आतंकियों ने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की बात कही है। जमात उद दावा के आतंकियों ने यह जहर उगला है। भारत और अमेरिका के खिलाफ जहरीले बोल बोले गए हैं। आतंकी मक्की और लखवी इस दरमियान मौजूद थे। मुंबई हमले के आरोपी लखवी और मक्की ने एक बार फिर से हिंदुस्तान पर नापाक नजर डालने की बात कही है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होनी है और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से संकेत दिए थे कि हिंदुस्तान एक खास दोस्त के रूप में अब अहमियत रखता है अमेरिका के लिए, और आज इस मुलाकात से पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधर सकते हैं, नई इबारत लिखी जा सकती है। और इसी बीच आतंकी इस तरीके से जहरीले बोल बोलते हुए नजर आए हैं। मुंबई हमलों के आरोपी हैं लखवी और मक्की। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रविकांत, क्या अपडेट है? देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को पहले से इस बात की जानकारी थी कि ईद के दिन घाटी में जो अमन और शांति है उसको भड़काने के लिए इस तरीके के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, इस तरीके के बोल बोले जाएंगे। लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ सरकार का रुख और सेना का रुख पहले से ही पूरी तरीके से क्लियर है। अब आतंकवादी बौखलाए हुए हैं क्योंकि एक के बाद एक सेना पूरी तरीके से घाटी में कार्रवाई कर रही है और गिन गिन कर चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। इस वजह से अब आतंकवादी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और ये जो नया वीडियो अपलोड किया गया है इसमें ये कहा जा रहा है कि जो लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं वो घाटी में पूरी तरीके से एक्टिव हैं, सेना के साथ वो मोर्चा संभाले हुए हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि आतंकवादी सेना की कार्रवाई से घबराए हुए हैं और आज ईद के मौके पर इस वीडियो को अपलोड करके एक बार फिर घाटी में जो माहौल पहले से तनावपूर्ण है उसे और बिगाड़ने का ये प्रयास आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है।